हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एक रेस्टोरेंट है और उसमें आप टैली को यूज करना चाहते हैं तो आप एज ए बिलिंग सॉफ्टवेयर की तरह टैली को कैसे यूज कर सकते हैं। मींस कि आप परचेज एंट्री नहीं पास करेंगे, ना ही कोई अकाउंट्स मेंटेन करेंगे टैली में, सिर्फ आप इसे एज ए बिलिंग सॉफ्टवेयर की तरह यूज करेंगे। जैसे कि कई रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि कई लोग बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या बिलिंग के लिए कई डिवाइस लगा के रखते हैं, तो उसी तरीके से आप टैली को कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करके रखी है, इस नेम से देख सकते हैं आप, खैतान रेस्टोरेंट नेम से। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्योंकि अभी जीएसटी चल रही है तो आपको जीएसटी को इनेबल करना होगा। F11 यानी फीचर्स में जाकर स्टेचरी एंड टैक्सेशन में जाना होगा, और यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करना होगा, और उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना होगा। इसके बाद आप अपनी डिटेल्स अपने अनुसार फिल कर लेंगे, चाहे आप कंपोजिशन डीलर हों या आप रेगुलर डीलर हों, आप अपने अनुसार अपनी डिटेल्स फिल कर लेंगे। उसके बाद इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, याद रखिए, मैं यहाँ पर आपको अकाउंट्स या परचेज की एंट्रीज नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एज ए बिलिंग सॉफ्टवेयर की तरह आप टैली को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एल्टर में आ गया हूँ, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने सीजीएसटी का लेजर क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने कॉमन लेजर क्रिएट किया है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। इसी तरीके से आपको लेजर क्रिएट करना है, बैंक का लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर लेनी है अच्छे से, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं। इसके अलावा राउंडिंग का लेजर क्रिएट करना है, इसे आप या तो इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। इसे डायरेक्ट इनकम या एक्सपेंस में मत रखिएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसे इसी तरीके से क्रिएट करना है जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेजर्स के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली कई वीडियोस में इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है, इसीलिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लेजर्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पर सेल का लेजर क्रिएट करना है, उसे टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस रखते हुए। उसी के साथ SGST का भी आपको लेजर क्रिएट कर लेना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि हमें एक वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं एंट्री करना तो आप जो सेल वाउचर होता है बाय डिफॉल्ट टैली की तरफ से, जो नॉर्मल सेल वाउचर होता है, उसमें भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं POS वाउचर का यूज़ करूँगा। पॉइंट ऑफ सेल वाउचर मैंने क्रिएट करके रखा है, मैं उसका यूज़ करूँगा। आप चाहें तो नॉर्मल सेल्स वाउचर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा जब मैं POS में एंट्रीज आपको बताऊँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने POS वाउचर का यूज़ क्यों किया है। तो देखिए, वाउचर टाइप में आप चले जाएंगे अकाउंट इन्फो में रहते हुए, यहाँ पर आप क्रिएट में जाएंगे। मैं एल्टर में इसलिए जानूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। यहाँ पी मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए POS इनवॉइस आपको आ गई, ये मैंने टाइप किया था क्रिएट में जाकर POS इनवॉइस, इसे अंडर लिया है सेल्स के। और उसके बाद यहाँ पर आते हुए मैंने ये जो यूज़ फॉर POS इन्वॉइसिंग ऐसे यस किया, उसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, वो आप अपने अनुसार प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर विजिटिंग या विजिट अगेन वगैरह, इस तरीके से आप प्रिंट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर टैक्स इन्वॉइस, यानी कि आपका जो इन्वॉइस प्रिंट होगा उसका डिफॉल्ट टाइटल क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने टैक्स इन्वॉइस लिख दिया है। उसके बाद अगर आप सेट अल्टर डिक्लेरेशन में यस करके जो इसकी बाई डिफॉल्ट डिक्लेरेशन है उसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, या आप अपने अनुसार कोई सेट और करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यस करके मैं दिखा देता हूँ, आप इस तरीके से इसमें जाकर फिल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमें नेम ऑफ क्लास में POS लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आते हुए हमारे सामने इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर गिफ्ट वाउचर, इसे यस करके छोड़ देना है, चाहे तो आप नो भी कर सकते हैं अगर आप कोई गिफ्ट वाउचर रिसीव नहीं करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप Amazon, स्नैपडील इस सारी जो कंपनी है इनका गिफ्ट वाउचर रिसीव करते हैं, तो उस सिचुएशन में इसे यस कीजिए। या आप अपने रेस्टोरेंट की तरफ से कोई गिफ्ट वाउचर प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, और बाद में जब वो फिर अनदर सर्विस लेने आते हैं तो आप उसे उस गिफ्ट वाउचर के अगेंस्ट में कोई डिस्काउंट वगैरह देते हैं, तो आप इसे यस करें। अदरवाइज नो करते हुए आप आगे बढ़ जाएं। और यहाँ पर अगर यस किया है तो नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर लें, क्योंकि आपको पता नहीं है, सपोज इट कि सिर्फ आप अपने ही फार्म का यानी अपने ही रेस्टोरेंट का गिफ्ट वाउचर रिसीव करते हैं, तो आप यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेंगे अपने ही गिफ्ट वाउचर का। अदरवाइज़ अगर आप स्नैपडील, अमेजोन या और भी कई कंपनीज का गिफ्ट वाउचर रिसीव करते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि आपको कस्टमर क्या प्रोवाइड करेगा। उसके बाद क्रेडिट डेबिट कार्ड
पे यहाँ पर यस कर देंगे अगर आप उससे पेमेंट लेते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पर अपनी बैंक जिस में आपका अकाउंट है, जिस बैंक में, उसे चूज़ कर लेंगे। इसका लेजर जो मैंने दिखाया था आपको, वो क्रिएट करके पहले से रखेंगे। उसके बाद चेक डीडी में भी सेम केस है। उसके बाद यहाँ पर यस करते हुए कैश चूज़ कर लेंगे। और सेल का जो आपने लेजर क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। और याद रखिए, सारे लेजर्स पहले से क्रिएट करके आइएगा। अगर नहीं किए होंगे तो एल्ट के साथ सी प्रेस करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर CGST, SGST, ये मैंने क्यों क्रिएट किया है, ताकि आपको वहाँ पर जब आप पॉस वाउचर में एंट्री करें तो आपको CGST, SGST वगैरह चूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, ये ऑटोमेटिक आ जाए। उसी के साथ आपको राउंडिंग, तो यहाँ पर जो राउंडिंग ऑफ में मैंने आपको बोला था इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंस, वो इसलिए बोला था क्योंकि अगर आप डायरेक्ट में डालेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ GST का ऑप्शन आएगा। और अगर आप इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंस में डालेंगे तो आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, तभी आप एज टोटल अमाउंटिंग राउंडिंग इसे चूज़ कर पाएंगे। और नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ इसको, इसे क्यों रखा जाता है। अगर 50 पैसे से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में ये प्लस करता है, उससे कम हो तो माइनस कर देता है। और यहाँ पर 1 रुपये तक सेट कर देंगे कि 1 रुपये तक ही ये माइनस प्लस करेगा। उसके बाद यस करते हुए इसे हम सेव कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये यस करने का क्या मतलब है कि जब आपका कोई भी लेजर यूज़ नहीं होता है इनवॉइस में, तो उस केस में वो लेजर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें कुछ आइटम्स क्रिएट करने होंगे जो हम सेल करते हैं, यानी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यूनिट्स क्रिएट कर लेनी होगी इन्वेंट्री इन्फो में आके। एल्टर में मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे बोतल वगैरह जो भी आप यूनिट्स जिस हिसाब से आप चाहें, जो आपको टैली सपोर्ट करती है वो आप क्रिएट कर लें। आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्रिएट की है, इसी तरीके से नोज, यहाँ पर नोज लिखें या फुल नेम लिखें, यहाँ पर UQC कोड जो आपको टैली की तरफ से वो चूज़ कर लेंगे आप। और उसी के साथ आप पीस का भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक केस है कि सपोज़ कीजिए कोई आइटम है जो केजी और ग्राम दोनों में आप सेल करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर केजी लिखेंगे, यहाँ पर किलोग्राम लिखेंगे, और यहाँ पर UQC कोड में जाके केजी का जो UQC कोड है, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ केजी, सपोज इस तरीके से ये जो केजी का है इसे चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में आकर आप 3 लिख देंगे, क्योंकि जब वो 4 डिजिट में कन्वर्ट होता है तो वो केजी हो जाता है, जब तक वो 3 डिजिट में रहता है तो ग्राम में रहता है, तो उस हिसाब से आप बिलिंग कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स हो गई क्रिएट। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम में आते हैं और यहाँ पर एल्टर में चल के देखते हैं। जैसे मैंने 2 क्रिएट करके रखे हैं, यहाँ पर एक आप ऑप्शन एक्टिवेट कर दीजिएगा F12 यानी कॉन्फिग में जाकर। वो ऑप्शन ये है कि आपको अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर, इसे यस करना है। इसके अलावा एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस कर लीजिएगा। दोनों का क्या यूज़ है मैं बता देता हूँ। अगर आप एडवांस के ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आपके सामने ये बिहेवियर का ऑप्शन आ जाएगा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर मैं कर्सर हिला रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन का क्या यूज़ है, सपोज़ कीजिए कि कोल्ड ड्रिंक आपने दी है और आप इनवॉइस में ये दिखाना चाहते हैं कि किस कंपनी के कोल्ड ड्रिंक, यानी कि फैंटा है, पेप्सी है, इस तरीके से आप वहाँ पर इनवॉइस में दिखाना चाहते हैं, और आप उसके लिए अलग अलग स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ आप कोल्ड ड्रिंक के नाम से करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को यस करने से क्या है कि आप इनवॉइस में दिखा सकते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या इसका मेन यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर पीस वगैरह चूज़ करते हुए, उसके बाद यहाँ पर सेट अल्टर GST में जाकर HSN कोड वगैरह डाल देंगे, टैक्सेबल चूज़ कर लेंगे टैक्सीबिलिटी में, और GST रेट जो हो आपका आइटम्स के ऊपर वो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। और यहाँ पर अगर कुछ आइटम्स नहीं आते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके पास नहीं आते हैं, तो उस केस में आप F12 यानी कॉन्फिग में जाकर ये सारे ऑप्शंस को यस कर देंगे। सपोज कीजिए कि यहाँ पर भी आपको वो ऑप्शंस नहीं दिखाई देते हैं, तो उस केस में आपके पास F11 में स्टेट्यूट एंड टैक्सेशन में, जहाँ पर सेट अल्टर GST डिटेल्स की मैंने बात की थी, वहाँ पर भी एक सेट अल्टर GST डिटेल्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाके आप यस करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। और सपोज कीजिए कि कभी कोई ये जो GST रेट है फिर वापस से डिफाइन होता है, मान लीजिए कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में आप इससे जाकर ये जो यहाँ पर एल के साथ एल का एक ऑप्शन है टैक्स रेट हिस्ट्री, इसमें जाके आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और न्यू GST रेट भी डिफाइन कर सकते हैं। और इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इस तरीके से हम करेंगे, और यहाँ पर हम सर्विस चूज़ कर लेंगे या गुड्स भी चूज़ कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर सर्विस चूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रीट ऑल सेल्स एज ए न्यू मैन्युफैक्चर, यानी कि क्योंकि मैंने आपको बोला कि आप परचेज की एंट्री नहीं करेंगे और ना ही कोई अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे, सिर्फ आपको बिलिंग करनी है, तो उस केस में अगर आप इस ऑप्शन को यस नहीं करते हैं तो आप स्टॉक समरी जब देखेंगे टैली में तो वहां पर आपको माइनस में दिखाई देगा जो भी आप बिलिंग करेंगे। इसीलिए अगर आप इसे यस करेंगे तो आप जो भी एंट्रीज करेंगे बिना किसी परचेज वगैरह के, तो आपको स्टॉक समरी में कोई माइनस में
अमाउंट नहीं दिखाई देगा और ना ही कोई फिगर आपको दिखाई देगी स्टॉक समरी में। इस तरीके से हम सेकेंड आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने दूसरा आइटम क्रिएट करके रखा है, मैं उसे अभी दिखा नहीं रहा हूँ। अब देखिए स्टॉक समरी सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, मेरी नील है जबकि मैंने ऑलरेडी एंट्री पास करके रखी है। आप आएंगे अकाउंटिंग वॉचर में और यहाँ पर आप सेल्स वॉचर में आएंगे, तो सेल्स वॉचर में आने के बाद आपके पास इस तरीके से पॉस इनवॉइस लिख कर आएगा, आप इसे चूज़ करेंगे। पॉस इनवॉइस में आप पॉस को अगर चूज़ करते हैं, ये जो पॉस नीचे लिखा हुआ है, फिर आपके पास वाउचर क्लास लिस्ट आ गई है। अगर पॉस को चूज़ करते हैं तो आपके सामने सी जी एस टी एस जी एस टी राउंडिंग ऑफ जो आपने वहाँ सेलेक्ट किया था वाउचर टाइप क्रिएट करते वक्त, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर आप अपनी एंट्रीज पास कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा सपोज़ कीजिए कि अगर मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पर पॉस और उसके बाद मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल चूज़ कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो सी जी एस टी एस जी एस टी वगैरह का लेजर था वो अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने पॉस इनवॉइस में मल्टीपल पेमेंट मोड है, यानी कि आप पेमेंट जो रिसीव करेंगे वो आप मल्टीपल मोड में रिसीव कर सकते हैं। सपोज इट कि यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन है और आप पेमेंट तीनों ऑप्शंस में रिसीव कर रहे हैं तो आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी एक ऑप्शंस में पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। सपोज कि आप सिर्फ कैश में कर रहे हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। इसके अलावा मैं आपको फ्रेंड्स बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि आपको सिंगल पेमेंट मोड यहाँ पर चाहिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बटन बार पर आपको दिखाई दे रहा है सिंगल मोड पेमेंट आपको यहाँ पर हाईलाइट नहीं है, वो डीएक्टिवेट है। वो कैसे हाईलाइट होता है, तो आपको क्या करना होता है कि आप जब यहाँ सेल्स वाउचर में क्लिक करते हैं और आप वाउचर टाइप में पॉस इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है वाउचर क्लास लिस्ट, इसमें आपको पॉस नहीं चूज करके नॉट एप्लीकेबल चूज करना होता है, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है। जब आप एक बार इसे एक्टिवेट कर देते हैं तो उसके बाद आप किसी को भी यूज कीजिए आप इसे यूज कर पाएंगे। सपोज मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मल्टीपल पेमेंट मोड थे वो सबके सब हट चुके हैं। और यहाँ पर आपको एक और डिफरेंस दिखाई देता है कि आपको यहाँ पर सेल्स का लेजर भी चूज करने के लिए दिया जाता है नॉट एप्लीकेबल में। अब सपोज कीजिए मैं फिर से वापस से पॉस इनवॉइस चूज करता हूँ और यहाँ वाउचर क्लास लिस्ट में नॉट एप्लीकेबल की जगह पॉस यूज कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो मोड था वो हट चुका है और इसके बाद आपके सामने फिर से वापस से आप देख सकते हैं कि मल्टीपल मोड आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मोड भी अपना चेंज कर सकते हैं पेमेंट का। और इसके अलावा मैं एक बात आपको बता दूं कि पॉस इनवॉइस में आपको अगर कैश में एंट्री करनी, यानी कि आप पार्टी का नेम वगैरह नहीं डिफाइन करना चाहते, तो उस केस में आपको F12 में यानी कि कॉन्फिग में आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इनेबल एंट्री ऑफ पार्टी डिटेल्स इन पॉस इनवॉइस, ये यस रहता है, इसे नो करना है, उसके बाद इसे एक्सेप्ट करना है। अगर ये यस रहेगा तो उस केस में आप कैश नहीं चूज कर पाएंगे, यानी कि आपके सामने जैसे कि देखिए अभी मैं अगर एंट्री करना चाहूं तो यहाँ पर सिर्फ मुझे आइटम सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मुझे कोई लेजर वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है, तो इस केस में ये मेरी जो एंट्री हो जाएगी वो कैश में हो जाएगी, यानी कि मैंने किसी पार्टी की डिटेल नहीं दी अपनी इनवॉइस में। लेकिन अगर मैं उस ऑप्शन को यस रखता जैसा कि मैंने कॉन्फिग में आपको दिखाया, तो उस केस में क्या होता कि मैं कैश नहीं चूज कर पाता, मुझे प्रत्येक पार्टी का लेजर क्रिएट करना पड़ता। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। ये कब किया जाता है, जबकि आप किसी पार्टी को क्रेडिट देते हैं, तो उस केस में आप उस ऑप्शन को यस करेंगे और पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे कि लेजर क्रिएट किया जाता है एज ए कंज्यूमर, या अगर उनका जीएसटी नंबर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फार्म आपसे ले रही है क्रेडिट पे, आपसे फूडिंग वगैरह ले रही है, तो उस केस में आप उसका जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। नहीं तो आपको, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो पता होगा कि एज ए कंज्यूमर की तरह भी आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उस ऑप्शन को यस करके लेजर क्रिएट करके आप यहाँ पर लेजर को भी चूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें एंट्री कैसे करनी है, तो चलिए हम देख लेते हैं। मैंने एंट्रीज पास करके रखी हैं डे बुक में, और फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि जब आप गुड्स क्रिएट करेंगे तो वहां पर सर्विस लीजिएगा, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स के नीचे टाइप ऑफ सप्लाई में वहां गुड्स लीजिएगा, तो फ्रेंड्स ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैंने मल्टीपल मोड जो पेमेंट का है उसमें मैंने एंट्री पास की है, यहाँ पर आपको मैंने सेल्स चूज़ किया हुआ है लेजर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आइटम्स चूज़ किया है, और देख सकते हैं मैंने क्वांटिटी वगैरह डाली है। उसके बाद ये जो कोल्ड ड्रिंक है इसके नीचे मैंने जो एडिशनल जो मैंने ऑप्शन बताया था आपको डिस्क्रिप्शन का, वो आया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ आइटम सेलेक्ट करूँगा, जैसे ये पनीर चिल्ली है, यहाँ पर देखिए यहीं पर मुझे आइटम का डिस्क्रिप्शन डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फेंटा डाला हुआ है कोल्ड ड्रिंक में, आप देख सकते हैं। चाहूँ तो मैं फिर यहाँ पर और भी कुछ आइटम का नेम डाल सकता हूँ,
तो मैं इस हिसाब से कर सकता हूँ। यहाँ पर CGST SGST मेरी यहाँ पर कैलकुलेट हो चुके, लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूँ क्योंकि ये नॉट एप्लीकेबल का केस था, तो इस केस में मुझे राउंडिंग का जो ऑप्शन है वो मुझे ऑटोमेटिक नहीं आया, मुझे यहाँ पर खुद से फिट करना पड़ा। और आप देखिए नीचे में जो मैंने इसमें पेमेंट रिसीव किया, भले यहाँ पर मेरा मल्टीपल मोड है, लेकिन ये जो मैंने पेमेंट रिसीव की है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैश लिया हुआ है, क्योंकि ये मैंने सेलेक्ट किया था वाउचर टाइप क्रिएट करते वक्त। और यहाँ पर मेरा 289 का बिल बना है, जबकि उसने मुझे 300 रुपये दिए और 11 रुपये मैंने उसे रिफंड कर दिए जो उनके बैलेंस बचे। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ सेकेंड एंट्री, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मल्टीपल मोड का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने पनीर चिल्ली लिया है। और यहाँ पर मैंने, आप देखिए कि मैंने यहाँ पर जो क्रेडिट डेबिट कार्ड है मेरा जो बैंक है वो HDFC है, यहाँ पर अमाउंट पूछा गया, उसके बाद मुझसे कार्ड नंबर पूछा गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझसे अमाउंट चेक और DD में भी यहाँ पर मुझसे अमाउंट पूछा गया, फिर बैंक का नेम पूछा गया, फिर चेक नंबर वगैरह पूछा गया। यहाँ मैंने जो पेमेंट रिसीव किया, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए 3 पार्ट में पेमेंट रिसीव की है। अब मैं आपको प्रिंट दिखाता हूँ एल्ट के साथ, जब मैं पी प्रेस करूंगा, और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू के लिए एल्ट के साथ आई प्रेस करूंगा, और एल्ट के साथ जेड फॉर जूम, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर इसकी बिलिंग इनवॉइस है, आपको टाइम वगैरह सब कुछ आ रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप ये काम सेल्स वाउचर में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें करने से क्या बेनिफिट होती है कि आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं पेमेंट के, वहाँ सेल्स वाउचर में आपको इस तरीके के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको एक एंट्री करके दिखा भी देता हूँ नॉर्मली। यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले चूज़ कर लेता हूँ पॉस इनवॉइस, यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल कर लेता हूँ और सिंगल मोड पेमेंट को मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर सेल्स चूज़ करूँगा, यहाँ पर पनीर चिल्ली एक पीस आया, मैं यहाँ पर 3 पीस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर CGST SGST वगैरह खुद से सेलेक्ट करना होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर वही मैं पॉज चूज करता तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। कैश यहाँ पर मैं सपोज कीजिए 400 रुपीज़ है, मैंने वो डाल दिए जो उसने मुझे दिए, और मैंने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको एल्ट के साथ पी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब मुझे यहाँ पर, मैं आपको सेकेंड केस दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने CGST SGST और राउंडिंग ऑफ ऑटोमेटिक आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कर सकते हो, और जो भी आप एंट्री करते हैं आपका इफेक्ट स्टॉक समरी पर कुछ नहीं पड़ता है, आप देख सकते हैं। ये सिर्फ आप एज ए बिलिंग सॉफ्टवेयर की तरह टैली को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप पॉस इनवॉइस में सर्विस चार्ज ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको सर्विस चार्ज का लेजर क्रिएट करना होगा, और जैसे कि मैंने यूज़ किया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इस तरीके से आपको यूज़ करना होगा। आपको करना क्या होगा, सेल्स वाउचर पर जब आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर पॉस इनवॉइस को वाउचर टाइप में जब चूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पर वाउचर क्लास लिस्ट में नॉट एप्लीकेबल को चूज़ करना होगा। पॉस को चूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि आपने CGST और SGST का वहाँ पर लेजर क्रिएट कर रखा है, तो उस केस में आपके सामने इस जगह पर आपकी टैली रुकेगी नहीं, आपकी स्किप कर जाएगी, इसीलिए आप नॉट एप्लीकेबल चूज़ कीजिएगा। और फ्रेंड्स जो बिलिंग नंबर है वो सेम रहेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 3 इनवॉइस अभी तक क्रिएट किए, इसमें मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो 4th इनवॉइस मेरी क्रिएट हो रही है। तो आप सर्विस चार्ज का लेजर क्रिएट कर लीजिएगा। इसको क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करने से हम लेजर में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, जो हमने क्रिएट किया है सर्विस चार्ज, डायरेक्ट इनकम, उसके बाद एप्लीकेबल है GST, और उसके बाद नीचे में मैंने टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज चूज किया हुआ है, और सेट एल्टर GST डिटेल्स में मैंने कुछ फिल नहीं किया है। अब यहाँ पर जो GST की जो रेट है वो मेरी, जो मैंने गुड्स के ऊपर डिफाइन किया वही मेरी चार्ज हो रही है, और यहाँ पर मैंने सिंगल पेमेंट मोड में रिसीव किए, जो पेमेंट है वो मैंने सिंगल मोड में रिसीव की है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स रेस्टोरेंट, होटल्स, ट्रांसपोर्टर, इन सब की जो अकाउंटिंग होती है अगर आप टैली में रखना चाहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है, इन्हें प्रॉपर वे में आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, आप अच्छे से जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं उनकी तरह इसमें मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और आप लोग के जो बिजनेस है इसमें जो अकाउंटिंग है बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बिलिंग कैसे करनी है वो आपको बता दिया, लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि आप परचेज करते हैं, सपोज कि आपको पनीर चिल्ली बनानी है, तो आप बहुत सारे आइटम्स परचेज करते हैं, स्पाइसेस परचेज करते हैं, उसके अलावा आप पनीर परचेज करते हैं और भी कई आइटम्स जो उसमें लगते हैं, तो उस
उन सारी चीजों को जो आप परचेस करते हैं, तो उन्हें आपको डिफाइन करना कि इतना क्वांटिटी मेरा यूज हुआ है, ये सारी डिफाइन करना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में मैं आपको एक छोटी सी सजेशन दे सकता हूं, अगर आप एज ए अकाउंटिंग की तरह भी यूज करना चाहते हैं टैली को, तो आपको क्या करना होगा कि जो आप आइटम्स परचेस करते हैं उसके लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आप इन्वेंट्री इन्फो में आए और यहाँ पर स्टॉक आइटम में, जैसे कि मैंने एक आइटम क्रिएट किया फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे आप करेंगे, जैसे ही मैंने पनीर क्रिएट किया, इसी तरीके से आप भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बेटर तरीका यह है कि आप सिर्फ बिलिंग सॉफ्टवेयर की तरह टैली को यूज करें, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग की तरह तब भी यूज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप पार्टी की डिटेल्स वगैरह बोलिए या स्टाफ को जो आप पेमेंट वगैरह कर रहे हैं वो सब बहुत इजी केस है, लेकिन यहां पर जो परचेज है और उसका जो यूटिलाइजेशन है आउटपुट में, यानी कि जब आप आउटवर्ड उसका जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहां पर जो यूटिलाइजेशन है वो नामुमकिन सा लगता है करना टैली में। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये क्रिएट किया है, यहाँ पर जैसे आइटम्स हम क्रिएट करते हैं उस हिसाब से मैंने क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन को यस किया है, ट्रीट ऑल परचेज एज कंज्यूम्ड, इसे मैंने यस किया, यानी कि जो भी आप परचेज करेंगे वो ऑटोमेटिक कंज्यूम हो जाएगा। ये सिर्फ आपका पीएल में चला जाएगा कि आपने इतना आइटम परचेज किया, ताकि आप प्रॉफिट निकाल सकें कि हमें प्रॉफिट कितनी हुई। उसी तरीके से अगर आप जितने आइटम्स परचेज करते हैं उसे कंज्यूम्ड में डाल देंगे, यानी कि जितने आपने परचेज किए वो ऑटोमेटिक कंज्यूम्ड हो जाएंगे, यानी कि स्टॉक समरी में वो आपको आइटम नहीं दिखाई देंगे। बस वो इसलिए है कि ताकि आप पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से देख पाएं कि मैंने टोटल कितना खर्च किया, यानी कितना परचेज किया और किस हिसाब से मैंने जो सर्विसेज प्रोवाइड की यानी जो सेल किया है उससे मुझे प्रॉफिट क्या हो रही है। तो इसकी मैंने एक एंट्री पास की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक एंट्री पास की है, देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने नॉर्मल सी एक एंट्री पास की है। आपके ऊपर अगर जीएसटी किसी आइटम पे चार्ज हो रहा है तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, पार्टी का नेम भी जिस तरीके से परचेज की एंट्री होती है सब कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डाल दिया और आपको दिखाता हूँ स्टॉक समरी में, आप देखिए चलकर यहाँ पर आपको जीरो दिखाई दे रहा है, कोई आइटम नहीं दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये परचेज में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की मेरी ये जो छोटी सी वीडियो है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक था जिसपे मैंने क्रिएट की, अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है या हेल्पफुल लगी है या नॉलेजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।